नमस्कार, बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दो घंटे चली अमित शाह की हाई लेवल बैठक, जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाओं को लेकर हुई चर्चा। चंद्रपुर में बाघों के हमले को लेकर शोभा फडणवीस की पहल, तत्काल कार्रवाई की मांग की। और उस्मानाबाद में कर्ज वसूली के लिए निकाला अनोखा रास्ता, गांधीगिरी मार्ग से की जा रही है कर्ज वसूली। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बीच दिल्ली में हाई लेवल बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, डीजी सीआरपीएफ कुलदीप सिंह, सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख पंकज सिंह, जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह सहित अन्य प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में अमित शाह ने कहा कि कश्मीरी हो या नॉन कश्मीरी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाए, स्थानीय लेवल पर खुफिया और सुरक्षा दायरा और बढ़ाया जाए, कश्मीर में ऐसे इलाकों को चिन्हित किया जाए जहां इस तरह की वारदात हो सकती है, आतंक फैलाने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जाए, किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। गृह मंत्री को बैठक के दौरान बताया गया कि इस पूरे मामले में एंटी टेररिज्म ग्रिड पूरी तरह से एक्टिव है। हाल के दिनों में देखा गया है कि कश्मीर में आतंकी आम नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों को निशाना बना रहे हैं। गुरुवार को ही घाटी में आतंकियों ने दो वारदातों को अंजाम दिया था। आतंकियों ने बडगाम जिले में दो मजदूरों को गोली मार दी थी। इस हमले में एक मजदूर की मौत हो गई। इससे पहले दिन में आतंकियों ने घाटी में एक बैंक कर्मी की हत्या कर दी थी। मुंबई में केन्या के रहने वाले शख्स ने 8 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। वहीं अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच कर रही मुंबई पुलिस का इस मामले को लेकर कहना है कि आरोपी को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं हैं। इस हमले में लोग घायल हो रहे हैं। पुलिस ने बताया कि इस घटना की बुधवार की शाम को दक्षिण मुंबई में टाटा गार्डन और पारसीवेल के पास हुई। 50 साल के हमलावर केन्याई नागरिक जॉन को उसी दिन आजाद मैदान पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया था। वहीं 8 घायलों को दक्षिण मुंबई के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अधिकारी ने बताया कि अब तक की गई जांच में यह पता चला है कि आरोपी को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी ने अपना बयान बदल दिया और भगवान के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि पुलिस ने यह भी पता लगाने की कोशिश की कि क्या हमले में कोई आतंकी पहलू शामिल था, लेकिन जांच के दौरान यह संभावना नहीं निकली। पुलिस के मुताबिक जो लोग आरोपी को जानते हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। अधिकारी ने बताया कि आरोपी को सोमवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, कृषि विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, उपायुक्त विभाग, जिला पंचायत नागपुर में संयुक्त महिला सम्मेलन एवं विभाग स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसी दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ महिलाओं का मार्गदर्शन करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण सत्रों का भी आयोजन किया गया था। संभागीय खेल परिसर मानकापुर में नागपुर महिलाओं की बैठक और संभागीय प्रदर्शनी की मेजबानी का आयोजन नागपुर में किया गया था। इस मेले में नागपुर जिले की महिला बचत समूहों की 1000 से अधिक महिलाएं रात भर मौजूद थी। इसी प्रकार इस प्रदर्शनी के संबंध में नागपुर संभाग से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं द्वारा बनाई गई विभिन्न नवीन वस्तुओं की बिक्री प्रदर्शनी भी थी। साथ ही इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ महिलाओं का मार्गदर्शन करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण सत्रों का भी आयोजन किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और उनके समग्र विकास की महत्वाकांक्षी सरकार की नीति को सही मायने में सफल बनाना जिला परेड का उद्देश्य था। अतः इस मेले के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रेरित करने के साथ साथ उन्हें बाजार से प्रतिस्पर्धा कर स्थायी आजीविका कमाने के योग्य बनाना तथा महिलाओं द्वारा उत्पादित उत्पादों को शहर के बाजार में उपलब्ध कराना था। विभागीय
पवार ताई या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने आपल्याला दोन शब्द मला सांगावेसे वाटतात. जेव्हा आपले नाव कार्यक्रमामध्ये आम्ही महिला मेळावा जर आयोजित करण्याचं ठरवलं प्रथमतः ताई गाठवागीच मनामध्ये सुरू होती. कारण की इतका मोठा जास्त प्रमाणामध्ये महिला मेळावा करणं काही साधी सोपी गोष्ट नाही. पण जेव्हा ही जी संकल्पना ही जी कल्पना आम्ही साहेबांसमोर मांडली साहेबांनी क्षणाचाही वेळ न लावता फक्त एकच शब्द म्हटला की फक्त आपल्याला महिलांसाठी महिला मेळावा करायचा आहे आणि अध्यक्ष याच्यामध्ये तुम्हाला महिलांना महिला बचत गटातील सर्व महिलांना जर आपल्याला विशेष असा मार्गदर्शक जे पाहिजे असेल तर ते मार्गदर्शक सुनंदाताई पवार करू शकतील आणि त्यांच्या आग्रहा खातर ताई आज आपण आपल्या आमच्या कार्यक्रमामध्ये आपण आपल्या आमच्या कार्यक्रमामध्ये अमूल्य असा वेळ दिला आपले खरंच जिल्हा परिषदेच्या वतीने सरस्वत धन्यवाद मानते. आताच तुम्ही माझी फिल्म बघितली की आम्ही काय करतो मला माहिती नाही. सुनील केदार सरांनी माझी माहिती कुठून काढली आणि त्यांनी मला गेल्या 2 महिन्यापूर्वी पुण्यामध्ये भेटायला बोलवलं. मला कळत नव्हतं की माणसाकडे काय काम असणार. एक तर मी राजकीय व्यक्ती नाहीये, 30-35 वर्ष झालं सामाजिक क्षेत्रामध्ये मी काम करते, त्यामुळे मी थोडासा मला गोंधळ उडाला होता की सरांनी मला कशाला बोलवलं. आणि मग त्यांनी बोलायला सुरुवात केली की तुमच्या कामाची सर्व माहिती मी घेतलेली आहे. आम्हाला माझ्या म्हणजे नागपूर परिसरामध्ये त्यांच्या मतदारसंघामध्ये अशाच प्रकारचं काम आम्हाला सुरू करायचं आहे. आम्ही करत आहोत पण त्याला आणखी चांगल्या पद्धतीने करायचं आहे तर तुम्ही नागपूरला याल का. तर मी त्यांना सांगितलं मी येईन नागपूरला, तुमची टीम पण बारामतीला पाठवा, आम्ही जे काम करतोय ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. असं ह्या देवाणघेवाणीचं आमचं सगळं बोलणं झालं आणि आज मी तुमच्यामध्ये उपस्थित आहे. मैत्रिणींना मला नेहमी माझ्या आयुष्यामध्ये सामाजिक जीवनामध्ये काम करत असताना माझ्या कुटुंबाचं खूप मोठं पाठबळ मला मिळालं. मगाशी बऱ्याच महिलांनी बोलताना सांगितलं जर तुमचं कुटुंब तुमचा पती तुमचे सासू सासरे तुमच्या सर्व घरातले जर तुमच्याबरोबर असतील तर महिलांना कोणीही थांबवू शकत नाही. अतिशय चांगली प्रगती महिला करू शकतात. माझ्याही बाबतीत तसंच झालं. छोट्या शेतकऱ्या कुटुंबांना आलेली मी पवार कुटुंबातली सर्वात मोठी सून सर्वात मोठं जबाबदारीचं एक नातं घेऊन मी या कुटुंबात आले. आल्यानंतर घरची शेती बघत असताना डेअरी बघत असताना 2 मुलांचा जन्म मुलांचं शिक्षण हे सगळं करत असताना नंतर मला माझ्या सासऱ्यांनी माझ्यामधले काही गुण पाहिले असतील मला माहिती नाही त्यांनी मला संस्थेमध्ये न्यायला सुरुवात केली. मीटिंग कशा घ्यायच्या संस्था कशी बघायची बोलायचं कसं हे सगळं बाळकडू मला माझ्या सासऱ्यांनी दिलं अप्पासाहेबांनी दिलं आणि त्यानंतर माझा नवरा माझ्या खंबीरपणे पाठीशी उभा राहिला आणि मी सामाजिक क्षेत्रामध्ये पाऊल ठेवलं. कुठलंही पाठबळ नसताना म्हणजे कुठलंही एक्सपोजर नसताना अतिशय छोट्या कुटुंबातनं पवार कुटुंबामध्ये यायचं आणि सामाजिक क्षेत्रामध्ये उतरायचं हे माझ्यासाठी खूप मोठं धाडस होतं आणि पाऊल होतं. पण माझ्यामध्ये एक जिद्द होती एक कष्ट करण्याची तयारी होती अपयशातनं शिकण्याची माझी तयारी होती आणि मी त्याच्यामध्ये उतरले आणि जो विश्वास माझ्या सासऱ्यांनी माझ्यावर दाखवला त्यासाठी जवळपास 25-30 वर्ष ऍग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट या ट्रस्टची विश्वस्त म्हणून भीमथडी जत्रेची आयोजका म्हणून जलचर संधारणातलं काम असेल या सगळ्या कामामध्ये मी अतिशय कष्टानं कधी कधी मान अपमान सोसले डोळ्यामध्ये पाणी आलं पण मैत्रिणींनो मी परत तुम्हाला सांगते हे प्रत्येक बाईच्या आयुष्यात हे घडतच असतं. प्रत्येक बाई जन्मल्यापासून ते जाईपर्यंत तिच्या आयुष्यात हे धक्के ती सोसत असते. मग ती बंगल्यातली असेल महाराणी असेल की ती झोपडीमध्ये राहत असेल ह्या सगळ्या घटना बाईच्या आयुष्यामध्ये घडत असतात आणि जी बाई हे सगळं सोसून हिमतीने अतिशय कणखरपणे पायी होऊन उभी राहते त्या बाईच्या आयुष्यात तर चांगल्या गोष्टी तर येणार आहे. मान सन्मान आणि काम करण्याची संधी या महिलांच्या आयुष्यात निश्चितपणे येणार. पण आमच्या महिलांच्या बाबतीमध्ये कायम असं घडतं छोटंसं अपयश येतं अपमान होतो कुणीतरी बोलतं कुणीतरी मारतं आणि आमच्या महिला ते सगळं काम सोडतात आणि अतिशय वेगळ्या पद्धतीने आयुष्य जगतात.
मैत्रिणीनो आयुष्य खूप छोटं आहे, आनंदाने जगायचंच आहे. आपल्यासाठी जगत असताना दुसऱ्यासाठी सुद्धा आपल्याला जगायचं आहे. मधल्या 2.5 वर्षांमध्ये कोविड सारख्या महामारीनी आपल्याला जगणं शिकवलं, आपल्याला नातेसंबंध शिकवले, आपल्याला आपल्या आयुष्याचा अर्थ या कोविड महामारीने समजून सांगितला. मैत्रिणीनो परत एकदा तुम्हाला सांगते, ही जी संधी आहे या सर्व आयोजकाच्या माध्यमातून आज तुमच्या आयुष्यामध्ये आलेली आहे, या संधीचं सोनं करा. परत एकदा सांगते, जे काय करायचंय ते उत्तम करण्याचा प्रयत्न करा, कोणाचा तरी हात पकडा आणि तुम्ही सक्षमपणे स्वतःच्या पायावरती उभा राहा. आज तुमच्या समोर उभी असलेली सुनंदा पवार या सगळ्या माध्यमातून हजारो लाखो महिलांच्या हाताला काम देते. माझ्या शारदा अकॅडमीमधनं समाज परिवर्तन में स्त्री और पुरुष का साथ होना बहुत जरूरी है और आज जितने भी महिलाएं यहाँ आई हैं इन्हें सक्षम बनाने के लिए हमारी पूरी टीम कार्यरत है और मुझे लगता है जब एक साथ सब महिला अपने कुटुंब के साथ आगे चलती हैं तो उनका बढ़ना आगे प्रगति करना संभव हो पाता है. और उम्मीद ने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ अरेंज किया है, एग्जीबिशन है 3 दिन के लिए, तो मैं सभी से गुजारिश करूँगी कि महिलाओं ने जो जो बनाया है वो आकर ज़रूर खरीदी करें. रोज़ तो हम लोग मॉल में जाते हैं, कितनी बार जाएंगे, यहाँ ज़रूर आइए, यहाँ आपको ज़रूर मज़ा आएगा. वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चौहान की रिपोर्ट. पूर्व मंत्री शोभाताई फडणवीस ने चंद्रपुर जिले के मूल तालुका में चल रहे बाघों के हमलों को संबोधित कार्रवाई करने के लिए पहल की है. शोभाताई आज स्थानीय ग्रामीणों को जिला कलेक्टर कार्यालय ले गए और बाघों के हमले के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की. बैठक में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और ताड़ोबा टाइगर रिजर्व के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. इस बैठक में वन विभाग ने सौर बाड़ लगाने, झाड़ियों को काटने, गश्त बढ़ाने और कारवा, कटवाल और आसपास के गांवों में सड़कों की मरम्मत जैसे तत्काल उपाय करने पर सहमति व्यक्त की. या ठिकाणी गेले 15-20 वर्षांमध्ये 2-3 महिने झाले वाघाचा खूप धुमाकूळ आहे आणि त्यामुळे लोकांना गावाला फिरणं, मुलांना शाळेत जाणं, कॉलेजमध्ये जाणं, शेतावर जाणं हे कठीण होऊन गेलं आहे आणि इतक्यामध्ये 8 ते 10 दिवसांमध्ये 3 जणांना वाघांनी मारलं आणि अजूनही वाघ तो गावाच्या भोवताल फिरतोय, लोकांना दिसतोय आणि त्याचा बंदोबस्त केला नाही तर जगायचं कसं. आणि त्यामुळे आत्ता परवाच्या दिवशी जो किल झालं, म्हणजे ज्या दिवशी मारला गेला वाघांनी मारलं, त्या दिवशीपासून लोकांमध्ये असंतोष निर्माण झालेला आहे आणि जीवाची भीती निर्माण झालेली आहे. बाहेरगावी पडावे की नाही असं वाटायला, काल संध्याकाळी दिसला, आज सकाळी दिसला, परवा दिसला, काल सकाळी दिसला, तो वाघ तिथल्या एरियामध्येच फिरून राहिलेला आणि प्रचंड मोठा वाघ आहे. तो एकटा वाघ आहे, तो मारतो आहे ही गोष्ट खरी आहे, परंतु अजून तिथे 2-3-4 वाघ त्या ठिकाणी फिरतात आहे. त्यामुळे असा वाघाचा एरिया जर झाला तर लोकांनी जगायचं कसं, शेती कशी करायची. मुळात हे 2 जुने वनग्रामच आहेत आणि आता त्याला महसुली ग्राम केलेलं आहे, पूर्ण आदिवासी क्षेत्र आहे. त्यामुळे आम्ही कलेक्टरांना सांगायला आलो की याचा बंदोबस्त तुम्ही आता करा, आम्हाला पिंजरे वगैरे ह्या गोष्टी नको आहेत, तर आम्हाला तुमच्या वनविभागाला जो कोर झोन असेल त्या ठिकाणी पूर्ण तुम्ही बंदोबस्त करा वाघांचा आणि त्या ठिकाणी सोलर लावून लोक पूर्ण जंगलाचा बंदोबस्त करा. शेतकऱ्यांना 100% अनुदानावर सोलर द्या, पक्की घरं द्या आणि या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने रस्ते बांधकाम करा आणि आत्ता इमिडिएट तुम्ही त्या ठिकाणची झुडपं तोडायला सुरुवात करा, जेणेकरून त्या झुडपात वाघ लपला असेल तर आपल्याला दिसत नाही आणि म्हणून झुडपाचं काम करा. आणि अशा पद्धतीने बस वगैरे सुरू करा, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना मूलमध्ये येणं कॉलेजसाठी वगैरे सोयीचं जाईल. आणि या सगळ्या मान्या अतिशय सहानुभूतीपूर्वक सगळ्यांनी मान्य केल्या, त्याचं काम इमिडिएट सुरू करायचंही मान्य केलं, त्यामुळे मी त्यांना सगळ्यांना धन्यवाद देते. आणि खऱ्या अर्थाने एकजुटीने सगळे गावातले लोक 50-60 लोक या ठिकाणी आले आणि त्यांनी खऱ्या अर्थाने आपल्या शक्तीचं प्रदर्शन केलं, त्यामुळे त्यांचंही मी अभिनंदन करते आणि या ठिकाणी मी विषय संपवते. खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद. Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए.
फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। फिर से स्वागत है। मुर्तिजापुर कारंजा राष्ट्रीय राजमार्ग पर गड्ढों को भरने के लिए मुर्तिजापुर ग्रामीण पत्रकार संघ ने 2 जून तक गड्ढों को भरने का निवेदन दिया गया था। इस निवेदन पर अगर कदम नहीं उठाया गया तो 3 जून को तीव्र आंदोलन की चेतावनी भी इस समय दी गई थी। भारत माता की जय। कार्यकारी अभियंता साहब, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तुमको होश में आना होगा, आना होगा, आना होगा। तुमको होश में आना होगा, आना होगा, आना होगा। लोगों के हित में 3 जून को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच चिलचिलाती धूप में गड्ढों को भरने की आवश्यकता की ओर संबंधित निगम विभाग का ध्यान आकर्षित करने के लिए हटगांव के पास पुल के पास गड्ढों में बैठकर मुर्तिजापुर कारंजा राष्ट्रीय राजमार्ग पर गड्ढों को जल्द से जल्द भरने की मांग की गई। नहीं तो इसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारियों को गड्ढों का पूजन व घेराबंदी जैसे घोर आंदोलन की चेतावनी दी गई। उस समय ग्रामीण पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष विलास नसले, राज्य उपाध्यक्ष PN बोले, जयप्रकाश रावत, संतोष माने, एडवोकेट नीलेश सुखसोहळे, उबेद चाउस, पंकज सातपुते, उमेश साखरे, अतुल नवघरे, धनराज सपकाळ, बबलू यादव, गोपाल ठक, सुमित सोनोने, गजानन सवई, संदीप कथलकर, उद्धव कोकणे, दिनेश श्रीवास, सोहेल चाउस, इसी के साथ हदगाव के गावकरी विजय राउत श्रीराम सोलंके, श्रीकृष्ण घाटे, शिवा राउत श्रीराम सोलंके, बबन कथलकर, सुधीर शेखार, सागर उगड़े, एकनाथ गोपकर, किशोर बोळे, मंगेश डांगे, योगेश सोळंके, विवेक राउत, राहिल वानखेड़े, मंगेश डांगे, आसपास के गांव के ग्रामीण भी मौजूद थे। मार्ग है आणि तुम्ही पाहत असाल की या राष्ट्रीय महामार्गाची काय अवस्था झालेली आहे। गेल्या 3-4 वर्षापासून लोक ओरड करतात की तुम्ही हे गड्ढे बुजवा, गड्ढे बुजवा। रस्त्याचं चौपदरीकरण अद्यापही झालेलं नाही, ते कधी होईल ते सांगता येत नाही, परंतु निदान गड्ढे बुजून लोकांचे जीव तरी वाचवा। किती अपघात होत आहेत, लोकांच्या गाड्यांचं नुकसान होत आहे। जिथे 10-15 मिनिटाचा रस्ता आहे तिथे जायला 1-1 तास लागतो आहे। आज हे गड्ढे डोळ्यांनी दिसत आहेत, आता पावसाळ्याचे दिवस सुरू होणार आहेत आणि हे गड्ढे जेव्हा पाण्याने भरतील त्यावेळेस हे गड्ढे दिसणार नाहीत आणि त्यामुळे दुचाकी चारचाकींचे मोठे मोठे अपघात होतील। अपघात झाल्यानंतर त्याचा सर्व दोष पोलीस बांधवांवर येतो, लोकांचा रोष वाढतो, परंतु हे गड्ढे कोण बुजवणार। आजपर्यंत 4-4 वर्षापासून ओरड होत असताना या सगळ्या आजूबाजूच्या गावातील लोकांनी ओरड केल्यानंतर त्याबद्दल निवेदनं दिल्यानंतर देखील तुम्ही हे गड्ढे बुजवत नाही, याला कारण काय आहे, कशामुळे हे गड्ढे बुजवत नाही तुम्ही? अजून किती लोकांचे जीव तुम्हाला घ्यायचे आहेत, किती लोकांचे हातपाय तोडायचे आहेत? या रोडावरून जायला भीती वाटते, भीती। ज्यावेळेस लोक घरून निघतात तर ते पोचले का नाही म्हणून 4 वेळा घरून फोन येते, परत येताना 10 वेळा फोन येते की आपला मुलगा, आपली मुलगी, आपला भाऊ। उद्या जर एखाद्या कुटुंबावर असा काही आघात आला
आणि मित्रांनो, या रोडावर तुम्ही जरा खेड्यापर्यंत जाऊन पहा, असे कित्येक वृक्ष आहेत जे वृक्ष असे अवैधरित्या वाळवलेले आहेत. काही वृक्षांच्या बुंद्यामध्ये आगी लावून त्यांचा बुंदा जाळण्यात आलेला आहे. आणि या पावसाळ्यात वारा वादळ जेव्हा सुटेल, हे झाडं जर रस्त्यावर पडतील, तर एखाद्या गाडीवर जर झाड पडलं, एखाद्या जाणाऱ्या येणाऱ्यांच्या अंगावर पडलं, आणि त्याच्यामुळे जर काही अप्रिय घटना झाडली, त्याला कोणी दोषी राहील? या रस्त्यात या खड्ड्यात बसून यानंतर आम्ही खड्डे पूजन, त्यानंतर अधिकाऱ्यांना घेराव अशा प्रकारचे तीव्र आंदोलन करू. VKB न्यूज के लिए मुर्तिजापुर से सुमित सोनोने की रिपोर्ट. अगरबत्ती निर्माण उद्योग यशोधरा नगर उत्तरी नागपुर में अचानक आग लगने से हैरानी जताई जा रही है. अगरबत्ती के निर्माण के लिए कच्चे माल के साथ टीन शेड संरचना दहनशील होने से यह आग तेजी से फैली थी. इस आग को काबू में लाने के लिए 5 पानी के टेंडर, 3 जल ब्राउजर, वाटर वर्क्स विभाग के 5 पानी के टैंकर आए और उन्होंने मौके पर आग को काबू में लाया. VKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चौहान की रिपोर्ट. उस्मानाबाद जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक ने कर्ज वसूली के लिए अनोखा रास्ता निकाला है. बैंक की ओर से कर्जदारों के घरों के सामने बैठा सत्याग्रह करके गांधीगिरी मार्ग से कर्ज वसूली की जा रही है. राज्य भर में आर्थिक घोटालों की वजह से चर्चित उस्मानाबाद जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक ने कर्ज वसूली के लिए अनोखा रास्ता निकाला है. बैंक कर्मचारियों के 27 पथक बनाकर कर्जदारों के घरों के सामने बैठा सत्याग्रह करके गांधीगिरी मार्ग से कर्ज वसूली की जा रही है. इस वजह से खाताधारक भी बदनामी के डर से तुरंत कम ज्यादा खर्चा भर रहे हैं. 8,90,000 सभासद रहने वाली इस बैंक का 141 करोड़ का बकाया लोन है, 225 करोड़ कृषि कर्ज बकाया है. सदस्यों को 445 करोड़ रुपए की जमा राशि लौटानी है. अब तक 5 करोड़ रुपए का कृषि ऋण वसूल किया जा चुका है. आर्थिक तंगी के चलते बैंक ने कर्ज की वसूली के लिए एक अनोखे फंड का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, लेकिन कई जमाकर्ताओं ने पैसे न मिलने के कारण आत्महत्या कर ली है. जमाकर्ता जमा राशि तत्काल वापसी की मांग कर रहा है. सत्याग्रह चालू आहे, कारण थकबाकीदार आमच्याकडे जास्त वाढले, कारण आमच्या बँकेची आर्थिक परिस्थिती डगमळत आली. कर्मचारी पगार आणि वेतन इतर लोकांचे बी थकीत राहिल्याच्या कारण ठेवीदाराची द्यायला शक्य नाही, म्हणून गांधीगिरी पद्धतीने सभासद कर्जदार थकबाकीदार कर्जदाराच्या समोर घरासमोर बैठा सत्याग्रह करून कर्ज वसुली सामंजस्याने करण्याचा प्रयत्न चालू आहे, असा आमचा बँकेच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या मार्फत सूचनेप्रमाणे आम्ही कामकाज करत आहोत. वसुलीला चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद मिळत आहे. कधीपासून सुरू आहे? साधारणतः एक महिना झाला. कर्जदाराचा प्रतिसाद कसा मिळतो की चांगल्या प्रकारचा? बऱ्यापैकी प्रतिसाद मिळायला लागलाय. 13 वर्षों के बाद 106 गरीब परिवारों को एयरपोर्ट के सामने जमीन के टुकड़ों का वितरण किया गया. इस कार्यक्रम में अनेक कार्यकर्ताओं ने सहभाग दर्शाया और नागरिकों को सुविधा देने की घोषणा भी की गई. गोंदिया के खातिया ग्राउंड पर 3 जून दोपहर 2 बजे 13 वर्ष पूर्व एयरपोर्ट बनने का काम शुरू हुआ था. 9 वर्ष हो गए, किंतु सामने रहने वाले परिवारों को प्लॉट देने का आश्वासन बार बार दिया जा रहा था, पर उन्हें जमीन अब तक नहीं दी गई थी. अब अनेक आंदोलन पश्चात शासन द्वारा आज उन्हें जमीन का वितरण किया गया. इस अवसर पर सांसद सुनील मंडे, प्रणीते पाटिल, पूर्व विधायक रमेश कुथे, संजय टेम्पल, गज्जू पुंडे, एयरपोर्ट के अधिकारी श्री के बैज आदि प्रमुखता से उपस्थित थे, जिसमें टीवी पत्रकार लाभार्थियों को प्लॉट के पट्टे का वितरण भी किया गया. अतिथियों ने जनता के 13 वर्षों से किए मेहनत की तारीफ कर उन्हें सभी सुविधा देने की घोषणा की. कि यहाँ प्लॉट आपको जो 10-12 साल पहले ही मिलना था, आज वो 13 साल बाद मिल रहा है, फिर भी आप खुश हो. एक हम लोग हमेशा बोलते हैं कि गरीब हमेशा बहुत असंतुष्ट होता है. ये तो हमारा उस समय का हक था कि जब एयरपोर्ट बन रहा था उसी समय आप सबको ये प्लॉट मिलना था. दुर्गा भवन मालूम, मुझे नहीं मालूम किस कारण वजह से ये आज तक इतना लंबा चला, लेकिन आज मुझे भी अच्छा लगता है. मैंने भी जिंदगी में अनेक काम किए हैं, लेकिन ऐसे ही कुछ कामों में जो हमको सुकून मिलता है, आनंद मिलता है, जब ऐसा कोई मौका आता है कि जब गरीब का कोई हक जो उसे छीना जा रहा था पिछले 13 साल से, आज पहली बार आपको मिल रहा है, तो आपके चेहरे पे जो आनंद, जो खुशी की जो हम लोग देख रहे हैं, उसे मुझे भी खुशी महसूस होती है, मुझे भी आनंद मिलता है. आप सबको बहुत बधाई. मित्रों, नहीं था
जिस काम को मैं पिछले 2 साल से पीछे भिड़ रहा था, उसमें कोरोना काल में भी 1 साल चले गया, इससे मुझे पता लगा कि बहुत ज़्यादा कुछ काम भी नहीं बचा था। पैसा भी अधिकारी के पास रखा गया था, उसके बावजूद इस काम को पूरा करने के लिए 13 साल लगे। अब ये प्रशासकीय बाप बोलो या जो नेतागण थे इससे पहले, मेरे से पहले, उनका इस पर दुर्दर्श बोलो, इन लोगों ने इतना लंबा खींचा, मुझे बड़ा अफसोस होता है। फिर भी जब आए देर आए दुरुस्त आए, आप सबको फिर से मुबारक हो। वीकेबी न्यूज के लिए गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार और मारपीट करने के मामले में गिरफ्तार किए गए पुणे जिले के एक शख्स पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए उसे अग्रिम जमानत दे दी। इस राशि का उपयोग ग्राम पंचायत के कल्याण के लिए किया जाएगा। प्राथमिकी के अनुसार MSCDCL के एक सहायक अभियंता द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर मामला घर का कनेक्शन कटने से संबंधित था, जिसके बाद भोगवड़े सहित कई ग्रामीण इकट्ठा हो गए। शिकायतकर्ता ने कहा कि जब वह एक लोक सेवक के रूप में अपना काम कर रहा था तो भोगवड़े ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और उस पर और स्टाफ के अन्य सदस्यों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। भोगवड़े ने कथित तौर पर उनके साथ गाली गलौज भी की और उन्हें धमकाया। उसने शिकायतकर्ता को धक्का दिया और उसके साथ मारपीट भी की। सुनवाई के दौरान भोगवड़े की ओर से पेश अधिवक्ता रविंद्र पचुंडकर ने कहा कि उनके मुवक्किल को सरकारी कर्मचारियों के साथ किया अभद्र व्यवहार का पछतावा है और यह घटना इसलिए हुई क्योंकि वह चिंतित महसूस कर रहा था। पचुंडकर ने कहा कि भोगवड़े युवा है, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह जांच अधिकारी के साथ सहयोग करने को तैयार है। वहीं पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त लोक अभियोजक प्राजक्ता पी शिंदे ने कहा कि भोगवड़े का अधिकारियों के साथ अक्सर टकराव होता रहता है। जब कोविड के दिशा निर्देश लागू थे तब भी उसने इस तरह की हरकत की थी। तो वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।